इसको पता है, इसको पता है। हाँ भैया इसको पता है। नीचे गीला है सब कुछ, नहीं खराब है ना, कर ही नहीं सकते। मेरे से अच्छा कौन जान सकता, जो नाम होता है बदनामी होती है, मैं इतना जानती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे सब दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आपकी भाभी ने ना, सुनो अजीब क्या बात कर रही हो। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब? हाँ तो जी, अभी ना मैंने अजीब सी इनसे बात करी है, अजीब सी, काफ़ी अर्से से मैं ऐसे बात कर रहे थे, मैंने आज अजीब सी एक ही बात करी है। अच्छा, मैं ये कह रहा था भाई साहब कि आपकी भाभी ने क्या अजीब सी बात करी है। मैंने बोला यार आके यार तुम तो ये ना मेरे खिलाफ वीडियो डाली है इसने ना, तो शायद आप लोगों ने देखी होगी। नहीं देखी तो नहीं देखना, नहीं देखना भाई। क्यों? टिकटॉक इसने मेरे लिए ना बुराइयां करी हैं और गुस्सा करा है, लेकिन गुस्सा जायज है इसका, कर सकती है। तो ये भी रोजे में होती है ना, रोजे में गुस्सा आ जाता है आदमी को। 100 बार आदमी गुस्सा करे, एक बार औरत भी कर सकती है। लेकिन ये है ना कि यार एक बात सुनो, मैं इसके चैनल का जनरल मैनेजर हूँ, ठीक है ना। मैं आपकी वीडियो डिलीट भी कर सकता हूँ, चैनल भी डिलीट कर सकता हूँ। चैनल डिलीट नहीं कर सकता, जनरल मैनेजर नहीं कर सकता। उसके बाद ये अख्तियार नहीं है, बाकी सब वीडियो डिलीट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, हर चीज़ सही है। तो मैं आपकी वीडियो डिलीट कर सकता था, ठीक है। तो आपने उल्टी सीधी बातें मेरे खिलाफ डाली, तो मैंने तो सच बोली है। मुझे आपकी ये बातें भी ऐसा लगता है आप मुझसे प्यार करती है। हाँ मुझे ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, फिर भी मुझे अच्छा लगता है। अब मेरे को बुराई, मेरी बुराई भी करती है ना, तो मुझे अच्छा लगता है। तो गुस्सा आ गया था ना, गर्मी हो रही थी इतनी। यार बात गर्मी की नहीं हो रही, फिर बात प्यार की हो रही है। तो मैं करती हूँ, सॉरी भाईजान, बात हो रही है प्यार की, कि मैं आपसे तो मैं करती हूँ ना। तो बड़ा अच्छा प्यार किया आपने। मेरा प्यार बहुत खतरनाक है, आपको आज पता लगा इतने अरसे बाद। अच्छा खैर भाई यार, बात क्या हो रही थी, बात ये हो रही थी, मैंने उसको यही बोला कि बहुत गर्मी हो रही है, बोला आओ दरख्त के नीचे खड़े हो जाओ। मैंने बोला नहीं यार, कमरा धो डालो, इतना गर्म हो रहा है। हाँ, गर्मी हो रही है ना बहुत। तो मैंने देखा कि यार ये पानी भी इतना गर्म है, मैं कहा चलो चलेगा, पानी गर्म चलेगा, जब कमरा धोएगी ना तो ठंडा हो जाएगा ना खुद ही। तो कमरे में कालीन थी, वो भी उठा के मैंने अपने बेटे को दे दी थी। मैं कहा तुम ले जाओ, उसको अपनी दुकान में बिछानी थी। अब कमरे में कुछ भी नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। इनको मैं बोलती रहती हूँ मुझे लेके जाओ बाजार, बाजार भी नहीं लेके जाते मुझे, पता नहीं बहुत गलत करते हैं। फिर जब भी तो मुझे गुस्सा आ गया, दोबारा आ गया है, दोबारा गुस्सा आ गया ना। आप सुनो मेरी बात, सुनो, मैं आपको भैया अंदर ले जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखो कुछ भी नहीं है बिछा हुआ कमरे में, कुछ भी नहीं, हर चीज जो है ना हटी पड़ी है, इसने पूरी टोटल क्लियर करके रखी है, ना चादर ना कपड़ा कोई भी नहीं है। तो फर्श इतना गर्म हो रहा है, यकीन करो मैं सफाई करती हूँ ना। ये आप चप्पल से मेरे अंदर कैसे आएगी? मैं धोऊंगी ना, फर्श धो रही हूँ। अरे अच्छा अच्छा चलो ठीक है, शुक्र करो बच गई हो आप। अब चप्पल से मैं अंदर आना अलाउ नहीं है, आपको पता है। मुझे पता है, मैंने अभी धोना है, जब भी ऐसे आई हूँ ना। खैर मैं बता रही थी कि मैं जो है ना सबर कर रही हूँ। हाँ तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं जो है ना ये फर्श को ऐसा छोड़ दिया, तो इसके बाद में क्या करती हूँ, सफाई करती हूँ, सुबह उठ के पोछा मार देती हूँ। हाँ यार भाईजान एक बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ। ये अब जो है ना, ये इसने शर्त क्या रखी है मेरे साथ, शर्त ये रखी है, जिसके बारे में बात करने आया हूँ वो मैं करना शुरू कर रहा हूँ। आपने करी है। शर्त इसने ये रखी है, मैंने इसको बोला यार तुम कमरा जो है ना पानी से धो डालो, सही है, तो मैं आराम से इजी होके ना लेट जाऊंगा ना, और पंखा चला के कमरा ठंडा हो जाएगा। आज बाहर छाव है, बहुत गर्मी है भाईजान, इतनी गर्मी है, आज लू चल रही है हमारे एरिया में, और पूरा कमरे की दीवारों में आग लगा, लगता है किसी आग को हाथ लगा दिया है, इतनी गर्मी है। और रोजा अभी से लगने को शुरू हुआ है, ठीक है, और टाइम हो रहा है तकरीबन 2, आप खुद बताओ 2 बजे का टाइम हो रहा है ना, देख सकते हो आप, ठीक है। अब 2 बजे ही इतनी सख्त गर्मी है, पीछे अभी भी 4, 4.5 घंटे पड़े हुए ना रोजे को, ठीक है भाई। अब इतना टाइम गुजारने के लिए मैंने कहा मैं ऐसा करूंगा, सो के थोड़ा टाइम निकालता हूँ असर की नमाज तक, बोलती आप मेरी वीडियो बना दो। यार देखो यार ये बात है, अब वीडियो बनाने के लिए मेरे से कैमरा खुलवाया, कैमरा हाथ में दिया, मैं वहाँ साए के नीचे खड़ा किया, फिर वहाँ से वीडियो बनाने के लिए
मैं वीडियो बनाना शुरू हुआ तो अब जाके ये काम करना शुरू हुई है, वरना उससे पहले ये काम हम कोई भी नहीं कर रही थी। काम उससे पहले मैं वीडियो के बगैर क्यों करती, मैंने व्लॉग बनाना था ना। तो बस चले, मैं जो है ना अभी व्लॉग बनाने आई थी यार। व्लॉग भी तो बनाना होता है, आप लोग तो समझ बना लो ना। अब मैं कब तक कैमरा पकड़ के खड़ा होगा, मुझे थकन हो रही है। ये तो शोले फिल्म का डायलॉग हो गया, वो बस हम की को नहीं बोलते जब तक इसके क्या पैर चलेंगे, जब तक इसकी सांस चलेगी जब तक तेरे पैर चलेंगे, ऐसा कोई डायलॉग नहीं है। वो बसंती को नहीं, जब तक तेरे पैर चलेंगे तो इसकी सांस चलेगी, ऐसे बोलते हैं। तो इसकी सांस वो नहीं, वो धर्मिंदर, धर्मिंदर अच्छा हाँ, उसको कब्जे में किया, उसको ऐसे करके जंजीरों से बांध देते हैं ना, तो वो फिर बसंती नाचने लग जाती है। आप अभी समझे, आप बसंती, जब तक मेरा व्लॉग चलेगा जब तक आपके हाथ ओ यार ये भी था। खैर मैं अभी नीचे बैठ जाता हूँ, ठीक है। आप बैठ कैसे सकते, क्यों? मैं तो बाहर जा रही हूँ पानी लेने। तो पानी लेके आओ ना, मैं यही छाऊं तो बैठ। चलो आ जाओ, चलो निकलो यार। ये भी ना यहीं से दिखा देता हूँ, बाहर गर्मी इतनी, धूप इतनी सख्त कड़क। इतनी गर्मी के अंदर जो है ना चिड़ियों को बाजरा देना और ये देना भी सवाब है। अब यार ये व्लॉग इतना बनाना जरूरी थोड़ी होता है। क्यों नहीं जरूरी है, मेरा घर का अपडेट। चलो फिर करो, फिर मैं बैठता हूँ। मैं हाँ। उतार दूँ, मैं आ सकता हूँ ना? क्यों? मैं शोहर हूँ ना। तो क्या मतलब है आप शोहर है तो? चलो चलो भाईजान, मैंने चप्पल उतार दी। सही है, ठीक है। चलो चलो, अब मैंने लगा दिया। क्या उधर जाऊंगी तो? उधर जाओगी तो अपने हाथ से ऐसे से नीचे से घुमाती रहना ना। आप मैं उठ के बाहर उधर के नीचे जा रहा हूँ, आप धोती रहो। कैमरा तो आप ही पकड़ेंगे ना इतना जोर से, तो जब भी मैं बाहर जा रहा था मेरे ऊपर फेंक रही हो। कैमरा उठा के आऊंगा, और बंद घर मुझे पसंद भी नहीं पसंद है, जैसे गैलरी टाइप हो फिर पूरा ही बंद हो, अगर बंद हो तो फिर पूरा ही बंद हो, फिर कहीं से भी ना खुला हो ऐसा हो, और खुला हुआ तो फिर पूरा ओपन हो जैसा मैंने बनाया। घुमाना पड़ेगा, घुमा दिया। पता नहीं आप मेरा व्लॉग भी अच्छा बना रहे हैं कि बना रहे हैं। यार भाईजान यार यकीन करो, एक तो मैं बदनामी लेता हूँ कि भाई बीवी की वीडियो बना रहा, ये बदनामी कम है? बस मैं एक बात कर रहा हूँ, और कोई आदमी होता वो कोई भी नहीं करता, करते हैं व्लॉगर हैं ऐसे बहुत, तो? लेकिन एक बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं करता। मैं इतना कोई बदनामी भी ले रहा उसके बावजूद बुराई भी लेता हूँ उससे। सबके शोहर ना अपनी बीवियों की वीडियो बनाते हैं, एक मेरा शोहर है ना मेरी वीडियो बनाते हैं नहीं, जब कैमरा पकड़ा तो भी इन कितनी बातें सुनो, फिर मुझे गुस्सा आया, फिर मेरा मन मीटर होता था। यार किसका दिल करता है अपनी बीवी की वीडियो बनाओ, इतने व्लॉगर बनाते हैं वो बनाते होंगे, बस मेरा दिल नहीं चाहता। आप नहीं बनाए अपने हाथों को बोले बना, मेरा हाथ पता क्या बोलते हैं? मेरा हाथ बोलते हैं कि इसको ना टाइट टाइट जैसी ना चमेड़ दो। हाँ? यार मैं आपको इसलिए कुछ नहीं बोलता, मैं कहा आपने अपना मुस्तकबिल बनाया हुआ। हाँ तो? आपसे बदवा ले लिया, आपके चैनल तोड़ ताड़ दिया, बंद डिलीट कर दिया दोबारा। मैं आपको बुरी लग रही होती हूँ अकेले अपना टाइम पास कर रही हूँ, इस वजह से भी कुछ नहीं बोला। आते भी मुझे मना करता है, आपने कौन से मेरे पास यहाँ बच्चे छोड़े हुए हैं, आप मेरे पास यहाँ बैठे हुए हो। आते भी मना करता है, बैठता बोलता पापा आप अम्मा के चैनल के जो ना गुस्सा नहीं किया। मैंने बोला यार देखो लड़का बड़ा हो गया, लड़का सही बोलता है। और
और ये जो आप लोग कमेंट में उल्टी सीधी बातें करते ना, ऐसे नहीं बोला करो, मेरे शोहर को भड़काया नहीं करो मेरे खिलाफ। मैं एक बहुत अच्छी बीवी हूँ, इनको खुद को भी पता है, जब भी भरोसा करके मुझे यहाँ अकेला छोड़ा हुआ था इन्होंने, गुस्सा चढ़ा दिया। अरे आप क्यों गुस्सा करती रहती हो यार, लो यार ये लो, मैं उठा लेता हूँ।